नमस्कार, मैं डॉक्टर मिथिलेश चतुर्वेदी आज आप सभी के समक्ष एक विशेष उद्देश्य से उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नोवेल कोरोना या कोविड-19 चीन से शुरू हुआ ये रोग अभी हमारे विश्व के बहुत सारे देशों को प्रभावित कर चुका है। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। जगह जगह ये एडवाइजरी भी लगी हुई है कि वो सभी व्यक्ति जो पिछले 14 दिन में विदेश यात्रा करके आए हैं या किसी विदेश यात्रा करने वाली व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, तो वो अपने आप को घर के अंदर क्वारंटीन करके रखें। क्वारंटीन का मतलब ये है कि आप घर में रहें, अंदर एक कमरे में हवादार कमरा हो जिसमें कि बाथरूम अंदर ही हो, और आप अपने घर के अन्य सदस्यों से भी संपर्क नहीं रखें ज़्यादा। वो जब भी आपके कमरे में आए तो मास्क लगा कर आए, और बाहर निकले आपका काम करके तो साबुन पानी से अपना हाथ धोएं, आपका कमरा बार बार साफ हो, और आप अपने घर के व्यक्तियों के संपर्क से भी बचें और बाहर निकलने से भी बचें। अगर ये सावधानी 14 दिन तक आप लोगों ने रख ली तो इससे बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। जो व्यक्ति विदेश यात्रा से आया है उसको अगर खांसी है या बुखार है या सांस फूलने की तकलीफ है तो वो इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को दे। सर्वप्रथम तो आपको आते ही स्वास्थ्य विभाग को सूचना देनी चाहिए कि हम इस देश की यात्रा से लौटे हैं और ये हमारा पता है, और सभी जगह हमारे जनपद मुख्यालयों पर कंट्रोल रूम है जिनके फ़ोन नंबर्स भी सब जगह डिस्प्ले हैं। लक्षण प्राप्त होने पर हम तुरंत आप लोगों को भर्ती करके और सैंपल जाँच के लिए भेज सकते हैं। इस रोग का प्रसार नहीं है, परंतु इसको रोकना अत्यंत आवश्यक है। मेरी अपेक्षा है कि आप सभी लोग इसमें मुझे ज़रूर सहयोग प्रदान करेंगे और हम सब मिलकर इस कोरोना की जो लड़ाई है इसे लड़ेंगे और जीतेंगे।